नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू फोकट गेमर में और आप देख रहे हैं लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड। तो हम खड़े हैं अपने इस प्यारे से घर पे जिसको इस साले ने मुझे लूट कर वो किया था, दिलाया था मुझे। रेस्टलेस क्रिकेट मिल जाता है मुझे, अच्छा लगता है रेस्टलेस क्रिकेट। एनीवेज, तो ये भाई साहब से अपन कुछ कुछ चीज़ें लेके वो कर सकते हैं। ओ स्लेज हैमर मुझे चाहिए था, पुराना वाला स्लेज हैमर मैं ड्रॉप कर दूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से ड्यूरेबिलिटी अपन ने काफ़ी यूज़ की। नहीं यार, अभी चलने देते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। बट बोलसन से बात करते हैं हम लोग। हे, नीड समथिंग फ्रॉम मी, बिल्ड मी समथिंग। व्हाट यू वांट? गियर डिस्प्लेस चाहिए यार मुझे, क्योंकि कई सारे वेपन्स ऐसे हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मुझे उनको रखना है। शील्ड्स भी मुझे, वेपन माउंट के बारे में बात करते हैं, 100 रुपये लेता है ये। ओके, आई एम रेडी टू पे। ओके ओके, डू पेमेंट्स ड्यू अप फ्रंट पेमेंट लेता है लड़का है लड़की है कुछ समझ में नहीं आता ये। दिस वर्क्स इन डूइंग इटसेल्फ। कार्सन, वी आर ऑन यो। कितना खुश हो गया ना कार्सन। ओ भाई, ये कराटे वराटे कर रहे हैं क्या लोग? Jujutsu, pretty flawless. If I do say so myself, you should take a look. Okay, I'll take a look later. But मुझे let me get where I am going before you talk to me. अच्छा, तो इसको बैठने देते हैं, फिर उसके बाद ही बात करेंगे। Hi, need something from me? Yes, I need something from you. Gear display. Weapon mount और खरीदेंगे। तो हर एक weapon mount के लिए 100 रुपये मांगता है ये। ओके, क्या मैं इसका जो एनिमेशन है तो फिर से कार्सन को बुलाएगा? कार्सन नाम है ना उसका। हैंग ऑन अ सेकंड, गेट माय माइंड कार्सन। ओके नाइस, नाइस, प्रैक्टिकली परफेक्ट। इफ आई डू से सो माइसेल्फ, आई एम अ लिटिल जेलस। ओके गाइस, तो अभी अपन जाके देखते हैं भाई क्या कारनामा किया है। ओके, तो यहाँ पर दो हम लोगों ने जो ख़रीदा था, ओ 60 वाला डैमेज वाला था ना ये। ओ नहीं, टेक इट। मैं कौन सा वेपन रखना चाहूँगा? आई थिंक मुझे थंडर का एक वेपन चाहिए मेरे को ऐसे ब्लेड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थंडर ब्लेड। मेरे ख्याल से रॉयल क्लेमोर को मुझे रख देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अच्छा वेपन है यार। बाद में अपन लाइजल वाइजल से लड़ाई करेंगे। आप लोगों ने बताया कि मुझे ज़बरदस्त वो होता है और ये ड्यूरेबिलिटी वाला है, तो इसको अपन एक्यूप कर लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। ओ भाई, क्या लग रहा है, नाइस लगता है तो हकता है। ओके, और कुछ नहीं बनाया इसने। बिस्तर है कि नहीं भाई? मैं सोना होना चाहता हूँ, तो सोना और मोना अच्छी लगती मुझे। नीड समथिंग फ्रॉम मी, यस बिल्ड मी, व्हाट यू वांट? गियर डिस्प्ले नहीं करेंगे अपन, अपन बिल्ड में समथिंग। हाउस एक्सटीरियर पे काम करते हैं क्या? विच एक्सटीरियर फीचर? साइन विथ माय नेम, यस आई विल डू दैट। प्लांट सम फ्लावर्स, प्लांट ट्रीज। मेरे ख्याल से साइन चाहिए मुझे, 100 रुपये लेगा इसके लिए भी। इतना क्या महंगा साइन लगाएगा तो पेमेंट्स ड्यू अपफ्रंट। ओके, फिर अभी ये लोग फिर कराटे वराटे करेंगे, जुजुत्सु। देख रहे, कार्सन पहले उठ जाता है लड़का। दिस वर्क इन डूइंग माय इटसेल्फ। अवेकन योर इनर एनिमल, वी आर बीस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, राइट ऑन। Pretty flawless. If I do say so same myself. Okay, same dialogue बोलता है। Bore मत कर तू मेरे को। चल बैठ जल्दी से। क्या किया इसने? क्या करवाया था मैंने? वो ऊपर डाला क्या उसने? मुझे याद नहीं कि वो था कि नहीं। Okay. Build me something. Installations. Oh, bed बना सकता हूँ। Lighting भी कर सकता हूँ। Door बना सकता हूँ। Yes. पहले बेड बनाएंगे अपन। 100 रुपीस, चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये का बेड ठीक है।
वैसे रियल लाइफ में आप अगर बैट खरीदने जाओगे तो बहुत महंगे आते हैं, 40,000 50,000 के अच्छे वाले जो किंग साइज बैट लोगे तो। दिस वर्क एंट डूइंग इटसेल्फ। ओके तो बस रे बस। अरे यार मैं मिस कर दिया डायलॉग। फुरिया फुरिया फुर। ओके परफेक्टली इंस्टॉल्ड, एक बार जाके देखेंगे हम लोग। चल बैठ भाई, और काम करवाना है तुम लोगों से। तो अच्छा हुआ मुझे वहाँ पे 300-300 रुपये मिल गए थे याइगा के हाइड आउट में, 600 रुपये उसी के काम आ रहे हैं। गियर डिस्प्ले अभी नहीं बनाऊंगा मैं, और इंस्टॉलेशन हाउस के एक्सटीरियर पे भी काम करेंगे। तो लाइटिंग करवा रहा है मुझे 100 रुपीज़। ओके थैंक यू सो मच। सो मैं लाइटिंग, एक सेकंड गाइस, मुझे समझ में नहीं आता लोग मुझे, मैं जब रिकॉर्ड ऐसे में कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ ना तो दुनिया भर के लोग जो है ना मुझे कॉल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, स्पेशली मेरे ऑफिस वाले। बट कोई नहीं बोल सन कंस्ट्रक्शन व्हाट योर क्रेडो विद 7 colors ऑफ पेंट बिल्डिंग्स ब्लूम लाइक द स्प्रिंग। कितना सड़े सड़े डायलॉग मारता है ये लोग, यही वाला अच्छा लगता मुझे। परफेक्टली इंस्टॉल, गिव इट अ लुक। ओके चलो थोड़ा सा देखा जाए क्या क्या सीन चल रहा है लोग सही तरीके। ओ ओ, ओ, ओ मेरा नाम कहाँ है, हमारा नाम लिंक्स हाउस, साले मेरा नाम लिखना चाहिए ना भाई, चाह नहीं करने का तो। ओ लाइट, अच्छा मस्त ट्रेलिस वेलिस डाल के दिया है, नाइस। ओ मेरा बेड, खुद का बेड, आई लव माई बेड, मैं सो भी सकता हूँ अपने बेड में, नाइस। ये क्या है, कोई पॉटी कर दिया क्या, वन ये वन क्यों दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा शेडो वो है, लाइट है कहीं से, लाइट आ रही है वन की, वन वाली लाइट। ओके कितने पैसे बचे हुए हैं भाई, क्या क्या खरीद सकता हूँ मैं। हाय व्हाट यू वांट, गियर डिस्प्ले अपने बहुत कर लिया, व्हाट वर यू थिंकिंग। डोर करते हैं अपन, डोर एक लास्ट चीज़ बची हुई है जो कि अपने को करना चाहिए। यार ये स्किप करने का होना चाहिए, बार बार वो देख के ना बोर हो जाता हूँ मैं। कोई बात नहीं आप लोग कर सकते हो। वोल्सन कंस्ट्रक्शन व्हाट्स योर क्रेडो, तो सेम चीज़ पे रहे, कैन पुल द सॉ देन डोंट पुश इट, व्हाट नाइस प्रैक्टिकली परफेक्ट इफ आई डू से सो माई सेल्फ, आई एम लिटिल जेलस। एक सेकेंड गाइस, फिर से कुछ मैसेज भाई, लाइफ इतनी अजीब हो जाती है ना लाइफ में। ओके नाइस, तो डोर बन गया हमारा परफेक्ट वाला, ठीक है। ओ थोड़ा मजबूत लग रहा है डोर। ओके मेरे पास जितने पैसे सब बर्बाद करने वाला, मतलब यूज़ करने वाला हूँ। तो बिल्ड मी समथिंग व्हाट यू वांट, तो गियर डिस्प्लेस और हाउस एक्सटीरियर पे काम कर सकते हैं। विच एक्सटीरियर फीचर यू वांट, प्लांट सम फ्लावर्स यार, मुझे फूल अच्छे लगते हैं, फ्लावर्स, आई एम रेडी टू पे, थैंक यू। तो 3-4 चीज़ मैं और कर सकता हूँ, पूरा अपन पैसा बर्बाद करने वाले यहाँ पर। होल्ड ऑन अ सेकंड, गॉट टू गेट माय माइंड राइट। बोलसन व्हाट्स योर क्रेडो, थंक ज्वीप हैमर सॉ, ओके गुड रिदम गुड जॉब, व्हाट इस गेम में इतने नमूने हैं ना पूछो ही मत। ओ क्या हुआ, अच्छा ये फ्लावर्स डाले हैं सामने अपने घर के, ओके नाइस प्रिटी फ्लावर्स। ओके एक सेकेंड, प्रिटी फ्लावर्स देख लेता हूँ मैं, अच्छा लगता मुझे ऐसा प्रिटी फ्लावर्स करने के। तो ये काम चोर की तरह काम किए हैं ये लोग, अच्छा लगता मुझे ऐसा काम चोरी करते हैं ये लोग तो, बट फिर भी अच्छी बात है। यहाँ पे रेस्टलेस क्रिकेट मिलेगा क्या मेरे को, एम्बर मिला भाई एम्बर। ओके तो ट्रीज जो है अपन देख लेते हैं, अपने पास 2 ट्री है अभी, ये लोग ट्रीज अगर प्लांट करने बोलेगा मैं ये प्लांट करेगा रे छोरे। ओके बिल्ड मी समथिंग प्लीज, व्हाट यू वांट, प्लांट ट्रीज 100 रुपीज, थैंक यू, शेल एट दैट आउट, यस ले लो भाई ले लो, लूट लो मेरे को। ओके डू, ओके डू कौन बोलता है तेरे को ही दूँ, ओके
Any nail could fail. So don't let your hammer stammer. What? अजीब ही नमूना गिर गया होता है इन लोगों के. ओके, छोटी छोटी ट्रीज डाले. वेल इट्स रियली कमिंग अलोंग, टेक अ लुक एंड गेट अ चांस. ओके, तो अब डिस्प्ले अपन कर सकते हैं. अरे अरे रुको, इसको बैठने दो भाई, बहुत नखरे हैं इसके बोलसन के. बोलसू. ओके, गियर डिस्प्ले ही अपन बना सकते हैं अपने पास. वो माउंट भी करूं क्या मैं? अच्छा, मैं तीन ही वेपन माउंट बना सकता हूँ. शील्ड माउंट करते हैं, शील्ड ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं अपन. मेरे ख्याल से बो माउंट करना चाहिए मुझे. एक बो माउंट करेंगे, एक शील्ड माउंट कर देंगे. नहीं, दो बो माउंट करेंगे अपन और एक शील्ड माउंट करेंगे. कार्सन, वी आर बीस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. यो, बट अभी कुछ फालतू बात नहीं किया. वो सब लगता है समझ गया कि हम लोगों को पसंद नहीं है फालतू की बातें. सिर्फ मैं ही फालतू की बातें कर सकता हूँ क्योंकि मैं फालतू पोकट हूँ. वेल इट्स रियली कमिंग अलॉन्ग, टेक अ लुक. नाइस, थैंक यू. बार बार मेरे को वही मैं भूल जाता हूँ. चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये रखते हैं अपन. और अभी एक अपन गियर डिस्प्ले कर देते हैं और शील्ड. व्हाट, कैंसिल हो गया था गलती से. शील्ड माउंट करेंगे अपन. 180 रुपये बस बचेंगे यार हमारे पास. 800-900 रुपये ऐसे ही बर्बाद कर दिए इस पिंकी के लिए. ओ कलर्स ब्लाइंडिंग ब्लू इन दिस लाइक स्प्रिंग. ओके, ये वाला डायलॉग मिस हो गया. ओके, हो गया. चलो कोई बात नहीं. अरे वैसे तो बोर्ड वोर्ड लग गया है, वो सब कर दिया है इसने. ओ, ये यहाँ पे शील्ड माउंट कर सकता हूँ. ओके, और यहाँ पे एरो माउंट है. नाइस, तो सॉरी बो माउंट है. बो कौन सा माउंट करेंगे अपन? रॉयल बो विद ड्यूरेबिलिटी अप, रॉयल बो विद अटैक अप. और ये वाला रॉयल बो, ये वाला रॉयल बो मैं रख देता हूँ. और यहाँ पर शील्डू कौन सा रखना है? शील्डेश्वरी कौन सा रखना है? एक मिनट, पहले कुछ मेरे को हाथ में रखना पड़ेगा. नहीं, ये वाला बहुत अच्छा लगता है मुझे. शील्ड कौन सा रखेंगे अपन? ये इसकी ड्यूरेबिलिटी प्लस है, लेकिन इसका शील्ड गार्ड प्लस है. ये कौन सा शील्ड है? गेरुडो शील्ड. गेरुडो शील्ड रख लेना चाहिए. इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ यार, इसको यूज़ करना चाहिए अब मेरे को. ये वाला शील्ड अच्छा है. एक काम करता हूँ, मैं गेरुडो शील्ड रख देता हूँ. नाइस, और कुछ ऊपर तो नहीं है. बट ये जो चीज़ ऊपर बनाया है टावर, क्या इस टावर में कुछ है? टावर में कोई पावर है? मेरे को लग तो नहीं रहा है, क्योंकि ये यहाँ से चढ़ नहीं सकते अपन. हाँ, यहाँ से चढ़ सकते भाई. ओ पीछे प्लांट किया है ट्रीज. नाइस, एक ही ट्री प्लांट किया साले कमज़ोर. और नहीं नहीं यहाँ पे किया है. ये सब ट्रीज बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है मुझे. तो आई थिंक ये भी बनाया भाई साहब ने. व्हाट, कुछ नहीं है, बिल्कुल बनाया मेरे को. अच्छी बात है. ओके गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले? कांड करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त वाला. सबसे पहले तो मेरे को ये वाले मेज़ पे पहुंचना है. ठीक है, अभी यहाँ पहुंचने के लिए मुझे ये रास्ता लेना पड़ेगा. ट्रैवल करते हैं अपन. तो आज मेज़ सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि हमारे पास जो आर्मर है, वाइल्ड आर्मर ही था ना वो, वाइल्ड आर्मर. उसका दो पार्ट हम लोगों ने ले लिया था. पिछले पार्ट में एक लिया था हम लोगों ने, और उसके बहुत पार्ट्स पहले और लिया था. बारबेरियन आर्मर, हाँ बारबेरियन आर्मर जो है हमारे पास पूरा हो जाए, क्योंकि मेज़ में ही मुझे मिले हैं वो आर्मर. तो ये तीसरा वाला जो मेज़ है, ओ शिट, रिन नोया श्राइन. ओके, मेरे पास कपड़े तो हैं वैसे अच्छे वाले, अच्छा लगता है मुझे अच्छे कपड़े पहन के.
यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन बीटल के पास चलते हैं, एरो एरो का देख लेते हैं कुछ जुगाड़ है क्या अच्छा वाला। ये लड़की हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देती है, लेकिन अभी नहीं दे रही है। बर कपड़े पहन ले भाई, ऐसा नहीं करने का। सासा अच्छा, क्या अच्छी बात है, मेरे पास थोड़ी एरो की कमी हो रही है। टेक देम ऑल कर देते अपन। 120 रुपये, व्हाट द हलवा। हाँ ओके चल भाई, पूरे ही ले ले। तो किल्टू के पास भी जाना है यार मुझे। अरे मैं हैमर नहीं उठाया यार, वहाँ से मुझे हैमर उठाना था। यहाँ पे कुछ फ्री वाला बाल है, वाइल्ड बेरीज, नाइस। बिना चढ़े भी उठा सकता था तो लिंकू। अच्छा लगता है मुझे ऐसा लुका पड़ा रहता है सब कुछ, और मैं चुरा लेता हूँ। चलो एक्स ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह खाली हुई है हमारे इन्वेंट्री में, और आई थिंक और कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन लेट्स गो टूवर्ड्स दैट शितोशिमा। इसको पहले दिन कर लेते हैं यार, मॉर्निंग अच्छा लगता है, सुबह सुबह निकलने का एडवेंचर पे लाइफ एकदम सेटल हो जाती है। टुंग 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 टुंग। ओके नाइस, 10-15 मिनट मैंने ऐसे बर्बाद किए हैं ना वो घर के चक्कर में। लेकिन वो अगर मैं वो भी नहीं करता ना मॉडिफाई, तो आप लोग मेरे को बोलते हैं यार तू अपना घर मॉडिफाई नहीं कर रहा है ये वो दुनिया भर का, तो अपने को गाली खाने से अच्छा तो भाई मॉडिफाई करना ज़्यादा बेटर है ना। ओके ओए 20 रुपये दे दो भाई, मेरे 20 रुपये। वैसे मैं अपना घोड़ा निकाल सकता था। वो ये अलग ही टाइप के माउंटेन है कुछ। वहाँ पे कुछ चमक रहा है, वो भी देखेंगे अपन। लेकिन ये वाले माउंटेन सही है यार। ओ ये तो वो है कोराकू। कोराकू आ जा भाई इधर। गुरु कम यार, आई एम योर पापी, आई एम योर पापी। कोई तो कमेंट में बोल रहा था भाई, भाई तो बहुत बोलता है करके। बोलता तो हूँ यार मैं, अभी क्या कर सकता हूँ मैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ओ, कुछ चमक, कुछ दिखा मुझे श्राइन के जैसा, नहीं वो तो लेजर है। ये सब पे जा सकते हैं क्या अपन। ये बहुत ही ऊपर नहीं है हेबरा माउंटेन, वहाँ पे कुछ एक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे टेलीपोर्टेशन के लिए। वुल्फी डोंट कम नियर मी, आ पीस ऑफ वुल्फी शेट। तो मुझे पता नहीं कि ये बटरफ्लाई ले सकता हूँ कि नहीं। एक्चुअली मैं पैदल इसलिए जाता हूँ ना मोस्टली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चेकआउट करूँ मैं आसपास का एरिया। नाइस ओके, यहाँ पे बैरीज है शायद। जी, बैरीज है ये। ये चिल शूम होगा, ये भूल गया मैं, इसको मारने से क्या मिलता है। बस गया बेचारा एक की शॉट में। ओ प्राइम मीटू सेम टू यू था ये तो। ओपल, ऐसा फ्री ओपल बांटने का इन लोगों। एम्बर, ओ यहाँ पे खोपड़ी है क्या ये। ओके खोपड़ी में लोग हैं क्या, खोपड़ेश्वरी लोगेश्वरी है क्या। ओ यहाँ पे बहुत सारे लोग। ओ, देख रहे हो यहाँ पे चिल्लू बैट्स है। ओके फ्री के आइस कीज विंग्स, ये अपने को शायद आर्मर वार्मर अपग्रेड करने के काम आएगा। बटरफ्लाई बटरू इधर आ, चल कम कम हियर टू पापी। थैंक यू, कितने हो गए मेरे पास, 4 ही है। ओ भाई भाग, थैंक यू भाई एरो देने के लिए, आई लव एरो। ओके अपन उस पर ध्यान नहीं देंगे। ओ फ्री का एरो इधर है, तेरा
अब हो गया ना। अबे रुक, नहीं रुकेगा, कहाँ भाग रहे हो भाई, इधर आओ। अरे पप्पा मैं, इसके पास बो कौन सा है वो देखना है मुझे। ये साले, ये जो वाइट वाले जो वो रहते हैं ना, ये लोग की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अरे ड्रैगन बोन वो है, नौटंकी साला। ओके तो यहाँ पे खोपड़ी वोपड़ी तो दी हुई है। रिफाली स्केल यूज़ करेंगे अपन, ऑलरेडी अपन थोड़ा सा यूज़ किया है। घोड़ा मैं नहीं ले जाऊँगा क्योंकि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है अभी। अच्छा लगता है मुझे पहाड़ पे चढ़ना। वैसे रिवाली स्केल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद अपने को। देख रहा हूँ अपना स्टेमिना ऐसा वो होता है ना रिकवर। इस गेम में काफ़ी सारा जो मैकेनिक्स है ना, अगर आप संभल के चलो, संभल के खेलो, तो आप बहुत सारी चीज़ें ना बिना स्ट्रेस लिए ही खेल सकते हो। एक मिनट, एम आई गोइंग, ओ शिट, आई एम नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट यहाँ से अपन चिल्लू कर सकते हैं। पीड़ाओ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वाइल्ड बेरीज बहुत मिल रही है यहाँ पे। वाइल्ड बेरी का भी अच्छा फूड बनता है ना। दो वो बचा के रखा है मैंने वैसे तो अपना। रुको, यहाँ पे स्टेमिना रिकवर करते हैं। यहाँ ऊपर से अच्छे से दिखेगा, कोई श्राइन वाइन होगा आज। श्राइन चमक जाता है बल्कि। यहाँ दिख तो नहीं रहा है मुझे श्राइन कहीं पे भी। श्राइन यार, ओ ये तो रहा यार श्राइन। ओके नाइस, लेट्स गो टू दैट श्राइन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओके, ये तो भाई, ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं ये क्या कर रहा हूँ, कहाँ गया मेरा हथौड़ा सिंह? ये चीज़ अच्छा लगता है जब दो दो तीन तीन इस लुमिनस स्टोन्स मिलते हैं ना एक साथ। कुछ गिरा तो नहीं ना? ये कौन है, कुतू लोग हैं क्या? ये कौन है? ये बारह सिंगा है। ओके बारह सिंगा, सॉरी वेरी वेरी मच। आई थिंक जैसा कि डेजर्ट वाले एरिया में अपना वो नहीं जाता था शील्ड का ड्यूरेबिलिटी, तो वैसे यहाँ पे भी नहीं जाता होगा ना। मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ। वो इतने सारे, ओ यहाँ पे फार्मिंग कर सकते मस्त, खाना वाना जो है अपन, ज़बरदस्त वाला फार्मिंग। ओके क्या है भाई? कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा ओपन एरिया है, मतलब कि यहाँ पे वो श्राइन नियर बाय, देखा श्राइन नियर बाय तो ऐसे बोल रहा जैसे है। ओ लाइनल है यहाँ पर, एक सेकंड गाइस, और वहाँ पर भी कुछ है। व्हाट द हेल, यहाँ पे लाइनल लगा देते हैं अपन। कौन सा वाला लाइनल है ये? वाइट वाला लग रहा है, सिल्वर वाला। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई शील्ड सर्फिंग क्यों नहीं कर रहे हो करके, क्योंकि ओ वाइट वाला है भाई, ये बहुत मारेगा अपने, अपन रेडी नहीं है इसके लिए, क्योंकि वाइट वाले हमेशा कुत्ते की तरह मार देते हैं और उनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। पंगा लेगा मैं कभी ना कभी, तो पंगा लेगा मैं। शाह घेमा श्राइन, शाह घेमा, हाँ हेमा मालिनी का श्राइन है ये। लेट अस सी व्हाट्स इन दिस। अब मुझे और भी ये नहीं पता कि और भी क्या क्या आर्मर्स होते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि और कोई आर्मर अगर मेरा छूट रहा है तो। शिफ्ट एंड लॉक, ओके तो इसको ऊपर लेके जाना है, फिर उसके बाद अपने को लॉक करना है। गॉट इट ब्रो, गॉट इट।
ये वाले को कहाँ से लॉक करना है लेकिन। ए गंदा बच्चा, ऐसे नहीं। एक मिनट, एक्टिवेट इट, बट मैं टाइम पे कर पाऊंगा क्या इसको? मेरे ख्याल से मैं अगर यहाँ से करूँ, और रुक ओके। अरे अच्छा, मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ ना शायद, नीचा, और फिर उसके बाद ये करके खोल। नाइस, स्मॉल की, नाइस। तो ये करना ही था अपने को। अब नीचे तो आ जाएंगे। यहाँ से मैं ले पाऊँगा क्या उसको? या ऊपर से ही जाना पड़ेगा मुझे? नहीं, यहाँ से नहीं ले पाऊँगा मैं, ऊपर से ही जंप करना पड़ेगा उसके लिए। करना क्या है लेकिन मेरे को? मन ने सू कराई चाहे। ओह, रॉयल ब्रॉडशॉट, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं की यूज़ कर सकता हूँ यार, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है ऊपर। मेरे ख्याल से कुछ नहीं है यार ऊपर। लेट इट बी, अपन निकलते हैं अभी, जल्दी जल्दी अपन वो करेंगे सारे जो श्राइन वैन का। मेरे ख्याल से ये मैं तीसरा वो है, स्टोन, स्टोन बोलता हूँ, ऑर्ब। वो चौथा था ये, इसका मतलब ये है कि अपन बहुत ही क्लोज है सेकंड सर्कल ऑफ स्टैमिना जो है उसको कंप्लीट करने के। 68 श्राइन्स मैंने पूरे कर लिए अभी तक। गोरॉक सीड्स भी यार, मैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इन्वेंटरी स्पेस में बहुत ज़्यादा रन आउट हो रहा है, और काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन्स मिल रहे हैं 40 के ऊपर के डैमेज वाले, तो वो सब चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे श्रूम रूम भी बहुत सारा है। ये क्या है भाई? ओपल, ओह ओह ओके। तो यहाँ पे ये सब में बहुत सारे वो सब मिलते हैं यार, ये सब देख रहे हो, ये सब में बहुत सारे वो सब मिलते हैं। ओके, तो क्या मैं मेज के पास हूँ? यस, आई एम काइंड ऑफ क्लोज बट नॉट दैट क्लोज। ये कौन है भाई? तुत्तू है, तुतेश्वरी। ओए हट साले, ऐसा मार देता मुंह को मैं। और यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत ही ज़ीरो है, ज़ीरो टाइप है। देख रहे हो, 30 मिनट हो गया, उसके बाद मैं उसमें जा रहा हूँ। यहाँ से मैं अगर गिरूँगा तो मुझे, वो कौन है? खोर खोर क्यों कर रहा है तू? ओके, इनसे अभी पंगा नहीं लेंगे, अपने पास टाइम नहीं है छोटू। और ऊपर से फ्रीज़ वाले से मुझे बहुत डर लगता है। डरोगी ओ मी बालमा है। युप 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 युप। ये पहाड़ कौन सा है? वो इस पहाड़ में भी कभी गया नहीं मैं। नाइस, कोल सफीना है शायद। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, चलो बाद में देखेंगे तुमको। ओ लाइनू है यहाँ पे, वाइट वाला भाई, प्लीज़ देखियो, बताया मेरे को, वो देख लिया साले ने, भाग, वो देख लिया उसने, बट नहीं पकड़ पाएगा शायद मुझे क्योंकि मैं तब तक निकल चुका हूँगा। अब यहाँ पे क्या सीन है भाई? टेम्परेचर काफ़ी डाउन है यहाँ का, इस एरिया का। Shrine is nearby, obviously.
श्राइन से अपन चेस्ट पे लगा देते हैं, लेकिन बी बहुत ज़्यादा करता है, मुझे चेस्ट से भी हटा सकता है। अबे क्या कर रहा है तू लिंकू, लिंकू पागल हो जाता है कभी कभी। मुझे लग रहा है कि वो तो वो माउंटेन के ऊपर कुछ श्राइन वाइन है, वो यहाँ पे है श्राइन बोल रहा है, किधर है श्राइन? ओके इधर है श्राइन कहीं पे, यहाँ नीचे है क्या? एटलीस्ट मैं टेलीपोर्टेशन ऑन कर लेता हूँ उसका मतलब। ओ यहाँ पे कुछ है, वाह चेस्ट फ्री वाला सिल्वर रुपीस, नाइस। अब मैं अपने घर में और पैसे बर्बाद कर सकता हूँ। ओके इधर इधर कहीं है, एक मिनट गाइस, अरे ये तो मैं मेज़ की तरफ ही बता रहा है यार, हाँ मेज़ वाला ही श्राइन बता रहा है, नॉर्थ लोमाई लैब्रिंथ। ओके तो और कहीं नहीं बता रहा है, मतलब कि इसके अंदर वाला ही श्राइन बता रहा है। चलो कोई नहीं, एक और श्राइन मिल जाएगी अपने को। गलत साइड से मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से घुसना चाहिए मुझे। छी ऐसा करता है तुम लोग, मेरे ख्याल से मुझे इसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए। ओ भाई बड़ी बड़ी, ओ देखो सामने ही है। Who have reached this point, proceed onward through the maze and you will receive a blessing as a reward. थैंक यू सो मच ब्लेसिंग सिंह पटेल। ट्रायल ऑन द क्लिफ, यहाँ पे ऑलरेडी सब उल्टी टट्टी है यहाँ पे। ओके तो इधर यार काश मैं देख पाता कि कहाँ से अपना एंट्री वेंट्री है यहाँ पर, बिल्कुल दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन राइट जाया जाए कि लेफ्ट जाया जाए। बट यहाँ पे अगर ये रोक के रखा है तो अपने को इधर जाना चाहिए। मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी वेपन्स बहुत सारे हैं। ओ भाई। ओके तो अपन थोड़ा और ऊपर जाते हैं। ओ शिट, कमान बच गया मैं, बच गया सब। ओ भाई इतनी बड़ी आँख, इतनी बड़ी आँख नहीं रखने का ना। ओके नाइस, तो अभी यहाँ से भी नहीं घुस सकते अपन। जी जी, ओह फ्री का चेस्ट, ऐसे फ्री वाले चेस्ट अगर मिल जाएंगे तो मैं लूँगा। गोल्डन रुपीस, आई लव इट ब्रा। ये सारे डिजाल्फोस की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओके तो यहाँ से मतलब चारों तरफ से ऐसा दिखाया है आपको कि आप घुस सकते हो लेकिन नहीं घुस सकते आप। कहीं से कुछ एंट्री का है क्या इधर ऊपर से? ऊपर से दिया है जगह, एक सेकेंड, तो यहाँ से एंट्री है शायद इसका, है ना? तो अपने को ये फॉलो करना चाहिए। ये किधर है? यहाँ से। ओके तो नीचे से नहीं, ऊपर से एंट्री है मेरे ख्याल से। और रिवालिस दिवाली करना पड़ेगा यहाँ पे। कम ऑन, यस थैंक यू सो मच रिवाली। ओके ओ या अरे ऊपर भी चेस्ट है भाई, प्लीज गिव मी रुपीस, आई नीड मोर रुपीस। ओ डायमंड, नाइस, जरूरत थी भाई अपने को डायमंड की, अपने को जरूरत पड़ती रहेगी। ओके तो मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ इसको, तो बेसिकली एक मिनट मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। बेसिकली यहाँ कहीं से इसका एंट्री है। हाँ ओके, यहाँ नीचे क्या सीन है? चूचू जेलीज हैं इलेक्ट्रिक वाले, और इधर इधर नॉर्मल है। ऐसा नहीं करने का मेरे साथ, गिरूँगा तो मैं मेरा भरता बन जाएगा। यहाँ पे क्या सीन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओ वो क्या लिजाल्फोस है क्या?
ब्लू वाला है भाई, पर्पल है एक्चुअली, पर्पल वाले बहुत मारते हैं। ओह आई कांट टेक इट। पोंगा नहीं बजाने का मेरे सामने। कौन है पे? कौन थूक रहा है मेरे ऊपर? ऐसा नहीं थूकने का मेरे ऊपर। वो रेड वाला ओके है इनके लिए अपन। ओबे क्या निकाल दिया रे लिंकू। ओ शिट मेरी बोमन ईरानी टूट गई है और अभी ये मेरे सर पे कूदने वाला है। थैंक यू सो मच मेरे सर पे कूदने के लिए। मेरे लिए देखो ईगल बो ले लेना चाहिए था, रॉयल बो काम आएगा अपने को। ड्यूरेबिलिटी वाला डेक नाइस। ओह ये सिल्वर वाला है। बंद कर भाई थूकना। What the hell are you doing, you bitch of us, bitch of my son? हट साले, हट साले। शॉट मेरा बहुत अच्छे से पड़ता है। स्टन लॉक कर सकते हैं क्या अपन? ये पूरा मेरा रॉयल शॉट जो है ना इसकी ऐसी तैसी कर देगा ये। वो बच गया। कितने सारी चीजें दी हैं। लाइजल ट्राई बूम रैंग है ये, शील्ड है। एक सेकेंड मैं कुछ कुछ चीज़ें फेंक सकता हूँ, जैसे कि ये एक्स ड्रॉप कर देते हैं अपन। इससे अपन ये ले पाएंगे। इसका क्या सीन है? 36 का डैमेज है। और ये शील्ड मेरे पास अभी कौन सी शील्ड है यार? मैं गलत शील्ड लेके चल रहा हूँ। शील्ड के मामले में एक मिनट, ये अभी भी ओ ये अच्छा है यार शील्ड। एक सेकेंड, मैं बहुत दिन से इसको लेके चल रहा था बट आई एम नॉट यूजिंग इट। तो अभी ये वाला शील्ड लेते हैं। 47 व्हाट द हलवा। ओके और ये आइस रॉड। ओ भाई तुम कहाँ से आए हो भाई? तुम कहाँ से आए हो? कहाँ को जाओगे? आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें ले जाएंगे। जीस चल दे दे भाई। चलो रिजॉल्फो स्टेल तो मिला मुझे बट मेरे इसकी ऐसी की तैसी हो चुकी है। एरो, इसमें एरो काफ़ी सारा दिया हुआ है। यहाँ कुछ नहीं है बट यहाँ पर कुछ ये लोग गार्ड कर रहे थे। ओ भाई साहब, 10 एरोस रिजॉल्फोस टैलन और स्टील लाइजल बो। थैंक यू सो मच बट ये पैसा चाहिए मुझे। एज ऑफ ड्यूअलिटी यार मैं क्या क्या फेंकूँ क्या क्या रखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे वेपन का अपना बढ़ाना पड़ेगा। वैसे इसकी इसका काम हो गया है। एज ऑफ ड्यूअलिटी रख लेना चाहिए अपने को। यस एज ऑफ ड्यूअल इसको ड्रॉप करके एज ऑफ ड्यूअलिटी रख लेते हैं। किधर है? तो रॉयल वेपन्स की ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है मेरे ख्याल से और डैमेज भी अच्छा होता है। वो वहाँ पे वो यहाँ से मैं जा सकता हूँ शायद। ओके नाइस। मेरे ख्याल से मेरे पास इतनी स्टैमिना है कि मैं आराम से वहाँ तक पहुँच जाऊँ। लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे? अपन पहले तो क्लाइंबिंग गियर का है मेरा। हाँ ये रहा। मुझे पता है मुझे ठंड लगेगी लेकिन उसके लिए मेरे पास शायद खाना होगा। इसके लिए ठंड वाला खाना नहीं है क्या मेरे पास? कूलिंग इफेक्ट ओके। अच्छा ये तो हीट वाला है। तो भाई मैं भी बेवकूफ़ हूँ। कोई नहीं अपन थोड़ा सा डैमेज ले सकते हैं यार। क्या बात, क्या बोलते हो? थोड़ा सा ये खा लिया जाए, एक और खा लिया जाए है ना, और ज़्यादा हुआ तो एक और खा लीजिए। ओके नाइस कमान। तो इतना वेल हिडन नहीं था ये वाला एरिया क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं डायरेक्ट जा सक। ओ भाई
ओ भाई नो भाई, तो यहाँ से नहीं है भाई साहब, आप लोग भी ना क्या क्या करवाते हो मेरे से। ओके तो इसमें वापस आना पड़ेगा औकात पे। यहाँ से अगर नहीं है, बट मुझे ना वो दिख रहा है वहाँ से उस तरफ का एरिया। एक सेकंड, और कहीं से कहाँ से जाऊँगा यार मैं, तो बड़ा बकवास है। मेरे ख्याल से इसके नीचे से ही है कुछ। ओके इधर कुछ है क्या जाने, इधर है जाने के लिए रास्ता। कुछ ज्यादा ही भूल भुलैया नहीं है इस गेम में। और ऊपर मुझे कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा है। चेस्ट हुआ है यहाँ पर बोल रहा है। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा देखते हैं अपन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ कहीं से अगर जाऊँगा है ना, तो उससे मेरे को ये मिलने का चांस है। बट भैया यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ से चढ़ के यहाँ तक आया था ठीक है, ये ब्लॉक्ड है, तो आई थिंक कि मैं यहाँ कहीं से आ सकता हूँ। या तो इधर यहाँ पर आ सकता हूँ मैं, और या तो फिर यहाँ इस वाले एरिया से आ सकता हूँ। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ पता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल सूझ ही नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ। हे भगवान, क्या किया जाए क्या किया जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। और मैं बहुत आगे भी आ गया हूँ। चलो कोई नहीं, अपन एटलीस्ट ये तो ट्राई करते हैं। नहीं इधर नहीं है, रिवालिस गेल मेरा होने वाला है, मैं थोड़ा ऊपर जाके देखूंगा। नहीं इधर नहीं जाना है भाई, FFG यार, FFG पागल हो गया है। कहाँ से आया था मैं, इधर से आया था मैं। यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओ ओ ओ व्हाट इज दिस, ल्यूमिनस स्टोन फ्री वाला। ओके यहाँ से मैं इस तरफ तो जा सकता हूँ, इस तरफ से अगर मैं जाऊँगा तो मैं उस तरफ निकल जाऊँगा राइट। यहाँ से अपन जाने की कोशिश किए थे, और भी है साले लिजाल्फोस। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता भाई तेरे से, मेरे मूड नहीं अभी। ए विनोती ने मूड पे लड़ाई। थैंक यू रिवाली। ओके अब मुझे यहाँ पे कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं कुछ कर पाऊँगा। बहुत बड़ा भूल भुलैया है ये। क्या बकवास है यार। वहाँ पे दो स्लैब्स हैं राइट। ओ यहाँ पे क्या है, तो बाहर जाने का है क्या, यहाँ से आ चुका हूँ मैं, नहीं आया हूँ। नाइस, खून ही खून है भाई यहाँ पे, खून है पॉटी के क्या है। अच्छा लगता है ऐसा पॉटी देख के। ओ यहाँ अंदर से क्या है, अच्छा आया है का इथुन। सब लैंग्वेज को मिक्स कर देता हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे लैंग्वेज मिक्स करना। चार करोड़ साल लगेंगे मुझे इसको सॉल्व करने में। हे भगवान, डैम इट। ओके इधर से मैं घुसा था ठीक है, बट मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे राइट साइड जाना है।
राइट साइड जाके। ओ इधर कुछ है क्या? नहीं बट कुछ तो होगा यार जिससे अपन जा सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ पता है। अपन ने दो मेंस को आराम से सॉल्व किया था बट ये तीसरा वाला जो है ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मुझे इसमें ही देखना पड़ेगा। ठीक है अभी मैं जहाँ पर हूँ वो ठीक ठाक जगह है लेकिन जाना है राइट। नहीं पीछे जाके मुझे राइट जाके पूरा सीधा सीधा जाना है। मुझे लग रहा है कि वो जो ऊपर का एरिया है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे ऊपर से जाना चाहिए उधर है ना, क्योंकि यहाँ नीचे नीचे अगर मैं घूमते रहूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। कितना टाइम हो गया मुझे रिकॉर्ड करते? ओ भाई बहुत ज़्यादा जो है टाइम हो गया है मुझे। भगवान ओके। एक ये जो मोटा वाला है ना ऐसी एक यहाँ पर भी है, मैं उसको भी चेकआउट करना है। ये वाला शायद अपन ने देख लिया है। ये वाला मेरे ख्याल से मुझे चेकआउट करना चाहिए। रिवालीज गेल इज़ ऑनलाइन, यस थैंक यू सो मच रिवाली। जो पापा को मनाने देंगे अपन दिवाली। ओ बच गया मैं। ये थोड़ा सा छोटा वाला था। ए ये कैसा वाला चूचू जेली वाले है तो। नहीं वैसे अपन एक काम करते हैं जल्दी जल्दी चलते हैं वहाँ पर। यहाँ पे लेकिन वो है सीढ़ियाँ हैं। कामयाबी की सीढ़ी है कि नहीं ये नहीं पता। यहाँ पर क्या सीन है? ओके कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं मुझे समझ तो नहीं आ रहा है। एक मिनट यार। अरे बस जिसको अपने को चेकआउट करना है वही करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते अपन है ना। तो आई थिंक मैं ये मोटे वाले इसमें हूँ। यहाँ पे सीढ़ी वीढ़ी दिख रही है और एक चेस्ट दिख रहा है। पहले चेस्ट ले लेते हैं अपन। प्लीज़ कुछ एकदम ज़बरदस्त वेपन बताओ ना, पैसा ही पैसा हो प्लीज़। ओ सिल्वर रुपीज़ थैंक यू सो मच। ओके तो यहाँ पर भी एक खोपचा है जो उस साइड भी था राइट। लेकिन यहाँ पे ये हड्डी के जैसा है। ओके मुझे ओके ये एरिया ब्लॉक्ड लग रहा है मुझे। नाइस यहाँ से ऊपर अपन से नीचे देख रहे। ओह अच्छा ओ भाई साहब एक सेकेंड। ओके आई थिंक ये वाला हो सकता है क्योंकि पता है ऊपर से ये दिख नहीं रहा था ब्लॉक्ड था। नाइस बकरी की टट्टी दिख रही है यहाँ पे। आने का नहीं उसको। ओके मैं कहाँ आ गया हूँ? ओके यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मुझे किधर जाना है अभी? वो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। कौन लड़ाई करेगा मेरे साथ? कोई नहीं। ओ वो 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 ओके यहाँ पे ट्राई करते हैं अपन। सीढ़ी दी हुई है कामयाबी की, शायद कामयाब हो जाए अपन। ओ चिच जल्दी नाइस। इसकी ज़रूरत पड़ते रहती है। ओ अबे पहले ले लेते हैं इसको। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी। मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था ये। वो जैप कर दिया मुझे। मार देगा मुझे मार देगा। नहीं मुझे मत मारो चुचू सिंह। थैंक यू चुचू सिंह। ओ यहाँ पर कुछ है व्हाट? हाँ
ओके मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे ओ मैं उसके नीचे ही हूँ, मैं श्राइन के। ओ चेस्ट टू, आई लव चेस्ट टू। नाइट शील्ड 51 का इन्वेंट्री की ऐसी की तैसी अपन लेगा ये वाला शील्ड। और मुझे थोड़ा हेल्थ भी रिकवर करना है। कौन सा फेंकना है यार? गैरुडो नहीं फेंकना है मुझे, रेडियंट। मेरे ख्याल से मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। सॉरी ब्रो, गो टू हेल। ओके तो मैं अभी राइट ट्रैक में हूँ शायद। ओके यहाँ से मैं चढ़ा था, यहाँ पे क्या सीन है? ओ यहाँ पे एक छोटा सा वो जगह है नीचे, वो भी चेकआउट करेंगे। लेकिन ये क्या है? ओ ये तो ये वाली सीढ़ी है जो पीछे से दिख रही थी यहाँ से। नाइस, मैं पहुँच गया भाई, मैं पहुँच गया। खुशी के आंसू जगह बदल बदल के निकल रहे हैं। होली शिट, ऐसा कुछ अब जब सॉल्व करो ना तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन में, ज़्यादा का व्यादा। ओके प्लीज़ भाई, प्लीज़ वो मत देना मुझे, पजल मत देना, मैं भी मूड में नहीं हूँ इतना बड़ा मेज होने के बाद। हाँ ये नॉर्मल वाला है। नाइस, काजा टोकी श्राइन। बारबेरियन लैग रैप्स। सो गाइस वी हैव डन इट, बारबू आर्मर मिल गया अपने को पूरा का पूरा। नाइस, एक मिनट, बाहर नहीं जाएगा मैं, यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप लोगों को दिखाना बनता ही है। तो बारबेरियन लैग्स, बारबेरियन ये। ओ भाई देख रहे हो लिंकू को कैसे टैटू वैटू बना के रखा है। नाइस, वो मेरा बारबू वॉल का है, तीसरा बारबू का है मेरा। इनको इनको ऑटो सॉर्ट कर देना चाहिए पता है। मेरे पास तीसरा बारबेरियन आर्मर भी था ना। हाँ ये रहा ना भाई, खोपड़ी तो देखो। नाइस, इज लुकिंग गुड एक्चुअली, और ये खतरनाक लग रहा है पता है। तो अभी सेट बोनस क्या है इसमें? अटैक अप ही है इसको शायद, अगर अपन मॉडिफाई करेंगे टेरी के पास जाके। एक मिनट, मुझे ठंडे वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे सब कुछ यार। मैं बताऊँ वो जाके मैं देखूँगा क्या क्या मटेरियल चाहिए, और ट्राई करूँगा कि मैं एरिया को वो करूँ, मतलब कि एरिया, सॉरी यार मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली। आज मेरा ये चौथा एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि सॉर्ड एंड शील्ड आ रहा है और उसके चक्कर में मुझे कैसे भी करके ये करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वो करना पड़ेगा, ज़ेल्डा जो है ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जब सॉर्ड एंड शील्ड आएगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलेगा, ऊपर से राजी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि 5 घंटे या 6 घंटे की गेम है वो। देखते हैं अपन। एक मिनट, यहाँ कुछ है क्या? ट्रेजर चेस्ट है बता रहा है इसमें, बट क्या इधर? वहाँ पे एक पतली गली भी थी। ओके तो सारे दरवाजे खुल गए हैं, खोल दे सारे बंधन को। एनीवेज गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इसको सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली इट अमेज का ना वही चीज सीन है, अगर आपको यहाँ पे श्राइन दिया हुआ है तो आपको सीधा सीधा बताया कि यहीं से एंट्री होगी, भले वो यहाँ से भी हो सकता है यहाँ से भी हो सकता है, तो आसानी से आप मेज़ को सॉल्व कर सकते हो। जनरली क्या है, मेज़ सॉल्व करने का सबसे बेस्ट टेक्निक यह है कि आप रिवर्स जाओ, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ से ऐसा 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 करके रिवर्स जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स हिडन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे था एक हिडन एरिया जहाँ से मैं घुस के गया इधर से आया। बड़े विज गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि फटाफट जो है मैं इसके एपिसोड्स लेकर आते रहूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।